जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि सब जो है वो खैरियत से होंगे। जी बेटे, आज की हमारी एसईओ की क्लास है, क्लास नंबर 14, जिसमें हमारा टॉपिक है जी लो कंपटीशन कीवर्ड्स। ठीक है, तो हम अपने लो कंपटीशन कीवर्ड जो है वो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब लो कंपटीशन कीवर्ड्स किसी भी काम के रिलेटेड हो सकते हैं। चाहे आप अपनी वेब के रिलेटेड बात कर लें, चाहे आप फेसबुक के रिलेटेड बात करें, इंस्टा के रिलेटेड बात करें, केडीपी बुक्स के रिलेटेड बात करें, जिस भी पर्पज के लिए आप एसईओ करने लगे हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में डिफरेंट मेथड बताए कीवर्ड्स को फाइंड करने के। ठीक है, आज भी एक और मेथड बताऊंगा, उसके बाद ये सारा प्रोसीजर जो है वो आप लोगों के सामने रखा जाएगा। ठीक है, उन सारे टूल्स में से किसी एक टूल को सिलेक्ट करके आप अपनी मेन नीश के रिलेटेड कीवर्ड जो है वो फाइंड कर लेंगे। वो कीवर्ड्स की लिस्ट चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे जितने भी हो, उन कीवर्ड्स में से लो कंपटीशन हाई डिमांड कीवर्ड्स किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा मेन जो है वो आज क्लास का टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक टूल की। तो वो टूल कौन सा है जी? वो टूल है जी गूगल ट्रेंड के रिलेटेड। ठीक है, जिसकी मदद से आप ना नीश फाइंड आउट कर सकते हो कि बेसिकली हमने किस नीश के ऊपर जो है वो काम करना है, उस नीश की पाकिस्तान में या अदर पूरी दुनिया में डिमांड कितनी है। जब वो आपको पता चल जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप कीवर्ड्स फाइंड करके तो ये सारा काम कर सकते हो। बात समझे जी? जी सर, इधर तक ठीक है। आगे बच्चे, ये आपके पास एक कंट्री आ रही है। ठीक है, इधर से आप जो है वो कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान करें। इधर आ गया, पाकिस्तान सर्च ही कर लें हम, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद पास्ट डे कैटेगरी आपने सिलेक्ट कर लेनी है, कितने जो है वो पास्ट 5 ईयर कर लेते हैं। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया। कैटेगरी जो है वो हम रखते हैं, आर रखनी है रख ले। अगर स्पेसिफिक कैटेगरी सिलेक्ट करनी है तो स्पेसिफिक कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद वेब सर्च जो है वो आप कर सकते हैं कि किसके लिए करना चाह रहे हैं। इमेज सर्च करना चाह रहे हैं, न्यूज सर्च है, या गूगल के लिए करना चाह रहे हैं, या यूट्यूब सर्च है। आप यूट्यूब का भी ट्रेंड कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू गूगल ट्रेंड। ठीक है जी, तो ये आपने चीज की। उसके बाद मैं पीछे जो है वो कीवर्ड मैंने एडिट की जो है वो रहने दिया, कीवर्ड मैंने लगाया नहीं, वो कीवर्ड जरा सर्च कर लूं। ये सर्च कर लेते हैं जी, फॉर एग्जांपल मास्क मैं सर्च करता हूँ, और नीचे से मैं ये चेंज कर देता हूँ पाकिस्तान अगेन से। ठीक है, और उसके बाद आल कैटेगरी है पास्ट 5 ईयर कर देते हैं। ठीक है, इधर जो है वो अब मैं सर्च करता हूँ इनको, ये बच्चे मास्क लिखता हूँ। ठीक है, इंटर करते हैं तो वो नीचे आपको रिजल्ट शो करवा देगा कि प्रीवियस 5 ईयर में मास्क का कितना ट्रेंड रहा। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो ईयर थे ना, ठीक है, अप्रैल 2020 में मास्क का ट्रेंड आप लोग देख सकते हो। क्यों था? क्योंकि तब कोरोना। ठीक है जी, उससे पहले कितना था, उसके बाद कितना है, ये आपको सारे का सारा जो है ना ट्रेंड बता रहा है। ठीक है, ये असल में जो ब्लू वाली नीचे चल रही है ना, वो ब्लू वाली लाइन थी बेटे जो हमने किया था। दूसरा ये इसमें रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ओनली मास्क का ही रिजल्ट शो। सही है जी, तो इस तरीके से जोन सी भी आप लोगों ने नीच फाइंड की है, आप उस नीच के रिलेटेड जो है वो डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी नीश को इधर सर्च करेंगे, आपको मेरे बच्चे उसके रेलिवेंट जो है वो आपको ट्रेंड पता चल जाएगा, और आपको ये भी वो बता देगा कि नेक्स्ट इसका जो है वो क्या प्रोसीजर हो सकता है, नेक्स्ट कितना चल सकता है। आपने प्रीवियस के कंपैरिजन से नेक्स्ट वाला जो है वो काम आप लोग देख सकते हो। इधर तक कोई क्वेश्चन बच्चे? सर, ये ग्राफ जो है वो 25 से अबव होना चाहिए हमेशा। कौन सा 25 पर? ये जो नीचे आप देखें 25 की लाइन आ रही है ना, 25 की लाइन आ रही है ना, वो तो उसने वैसे जी बताया ना कि 25 की कोई भी ट्रेंड चला गया ना,
तो वो ऑटोमेटिकली ग्राफ को ऊपर बता देगा कि ये इतना ऊपर जो है वो गया, इतने को जो है वो इसने टच किया, इससे 25 से इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इससे कुछ नहीं होता कि नीचे अगर हाँ गिरा जी, तो? ये चीज नहीं है। अब ये इतना जो है वो मास्क है, इस मंथ के अंदर, ये जो मंथ है आपका जी सितंबर 18 2022 में, तब भी जो है वो ट्रेंड थोड़ा सा बड़ा, कोई ना कोई बीमारी वबा जो है वो जरूर फैली होगी, जिसकी वजह से ट्रेंड ऑटोमेटिकली जो है वो टॉप पे गया। तो इस तरीके से आप अपनी मेन नीश के रिलेटेड जो है वो ट्रेंड देख सकते हो। जैसे कि मैं न्यू जो है वो SEO ही इधर लिखता हूँ, SEO कोर्स हमारा मेन कीवर्ड है। इस मेन कीवर्ड का कितना ट्रेंड जो है वो पाकिस्तान में चल रहा है लास्ट 5 ईयर से, तो आप लोग जरा चेक कर सकते, ठीक है जी। ये ब्लू वाला जो है वो SEO के रिलेटेड है, नहीं SEO कोर्स का कलर वो मेंशन कर रहे हैं ऊपर, ये वाला ठीक वो तो रेड वाला नहीं है? है, रेड वाला है, रेड वाला बच्चे, ठीक है। तो ये चीज चल रही है। इस तरीके से आप अपने काम की मेरे बेटे नीच फाइंड करके, तो नेक्स्ट जो है गूगल ट्रेंड से आपको उसका ट्रेंड पता चल जाएगा, प्रीवियस कितना रहा है, नेक्स्ट कितना रहा है, उस तरीके से आप जो है वो काम अपना स्टार्ट कर सकते हो। अब बच्चे जो आप लोगों ने नीच फाइंड कर ली, जो आपका मेन कीवर्ड आ गया, अब उस मेन कीवर्ड के रिलेटेड आप लोगों ने LSI कीवर्ड जो है वो फाइंड कर। अब LSI कीवर्ड को मैंने आप लोगों को बताया था कि वो कीवर्ड आपके टाइटल के रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो आपकी कैटेगरी के रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो बच्चे आपके सीजनल चेंज भी हो सकते हैं, वो किसी भी तरह का जो है वो कीवर्ड हो सकता है, वो सारे LSI कीवर्ड होंगे। अब आपने वो कीवर्ड सारे सारे फाइंड कर लिए, फाइंड करने के बाद आपने उनमें से लो कंपटीशन हाई डिमांड जो है वो कीवर्ड निकालने हैं। अब जब बेटे बरीदा आपने उसी का बच्चे मैं एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। जब भी आपने नेक्स्ट लिस्ट बनानी है ना, तो एक्सेल शीट पे बनानी है, साथ में आपने कीवर्ड का वॉल्यूम भी लिखना है, डेंसिटी भी लिखनी है, ये दो चीजें जो है वो आपने मस्त लिखा करनी है एक्सेल शीट पे ना, कीवर्ड का वॉल्यूम कितना है और उस कीवर्ड की डेंसिटी कितनी है, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखनी है, मस्त देखनी। अब आगे हम बात करते हैं कि हमने वो LSI कीवर्ड मैंने आपको बताया था कि जनाबे वाला एक्सक्यूज जो मी है सर, जी, सर एक आपकी मिनट, आवाज़ सही नहीं आ रही है, डिस्टॉर्शन हो रही है बहुत ज़्यादा। ये मैं कर देता हूँ एक मिनट। LSI कीवर्ड आपके वो कीवर्ड होते हैं जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जैसे आपने सिंपल SEO लिखा, SEO लिखने से SEO सर्विसेज टूल निकला जी, ये हमने SEO सर्च किया। अब SEO के रिलेटेड गूगल भी आपको जो है वो कीवर्ड फ्राहम कर रहा होता है, और उसके रिलेटेड आप क्या करेंगे या सिनोनिम चेंज करके जितने कीवर्ड बनते हैं वो, या आपकी जो मेन टाइटल है या मेन कैटेगरी के रिलेटेड सब कैटेगरी जो है वो ऐड हो रही होती है मजीद, तो उनके रेलिवेंट जो है वो आपने कीवर्ड फाइंड करना होता है। जैसे कि मैंने KDP के अंदर भी ये बात बताई थी कि जो आपने कीवर्ड लगा सकते हैं या तो वो अपने टाइटल के रिलेटेड, या टाइटल के सिनोनिम जो है वो चेंज करवा के, या कैटेगरी जो है उसके रेलेवेंट जो है वो लगा सकते हैं। अब हमने उनमें से लो कंपटीशन हाई डिमांड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी जो है वो बात करने लगे हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा, ये भी SEO में मेन इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे पहला कीवर्ड आ गया जी, मेन निशा आ गई आपकी वेट लॉस, हमारा मेन कीवर्ड क्या आ गया जी, वेट लॉस। नेक्स्ट आ रहा जी नेट फॉर्म फॉर वेट लॉस, ठीक है। अगेन जी पोस्ट पार्टम वेट लॉस, अब जिस जगह पे वेट लॉस आपकी मेन नीश है, मेन नीश रिपीट होती जाए कोई इशू नहीं, मेन नीश साथ में रिपीट होती जाए किसी किस्म का मसला नहीं है। अगर आपका कोई भी कीवर्ड का पहला, जैसे कि नेट फार्मिंग फॉर वेट लॉस है ना, ठीक है, अगर मैं नेट फार्मिंग को नीचे दोबारा से रिपीट करता, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल जी मेटफॉर्मिन फॉर वेट लॉस, ठीक है, या आगे कोई अदर कीवर्ड जो है वो ऐड कर दूंगा, तो मैं कहूंगा कि ये मेटफॉर्मिन ऊपर मैंने कीवर्ड लगा लिया है, मैंने उस कीवर्ड को दोबारा से यूज नहीं करना, अगर दोबारा यूज करोगे तो वो आपका वेस्ट है, उसका फायदा नहीं है कोई भी, इसलिए आपने अपने सेक्शन में जैसे मेटफॉर्मिन 1,000 किया या 100 किया या जितने, ये 50 कीवर्ड है, 50 कीवर्ड में से मैं एनालिसिस करके शॉर्ट लिस्ट कर देता हूँ कि कितने वेट लॉस हमने रख लिया, मेटफॉर्मिन फॉर वेट लॉस रख लिया,
पोस्टमार्टम वेट लॉस रख लिया, वर्ड चेंज हुआ, वेट लॉस सेंटर्स नियर में, वर्ड चेंज हुए, रख लिया जी वेट लॉस मील्स, रख लिया जी। उसके बाद बेस्ट वेट लॉस पिल्स रख लिया, कीटो वेट लॉस, ठीक है, रख लिया जी। उसके बाद मेटफॉर्मिन एंड वेट लॉस, तो ये हमारे पास मेटफॉर्मिन पहले आ गया है, तो को रिमूव कर देंगे, ये हमारा कीवर्ड है। नहीं बात समझो, बात समझो जी, जिस तरीके से हम करते हैं ना, शाह स्टोरी फॉर किड्स या किड्स शाह स्टोरी, उल्ट पुल्ट करके लिख दिया, तो ये नहीं होते। आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आपका नेट इश्यू है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है जी। इधर से नेट जो है वो बिल्कुल ओके है। और किसी को प्रॉब्लम है? आयशा वाज, निमरा, आप बच्चे, बरीरा, बरीरा आवाज ओके आ रही है? चलें जी, गुड हो गया बेटे। अब नेक्स्ट, इसी तरीके से आप लोगों ने नेक्स्ट बढ़ते जाना है, वेट लॉस मैक्रोस, ठीक है, वर्कआउट फॉर वेट लॉस मैन, ठीक है। आपने वो कीवर्ड नहीं रहने देना जिसमें पहले से वर्ड यूज हुआ होगा, जो वर्ड पहले से यूज हुआ होगा उसे आपने रिमूव करते जाना है। जो बाकी 100 में है, जब आप प्रॉपर LSI कीवर्ड लेके काम करेंगे ना, तो आपको क्या होगा, उनमें से अगर 50 कीवर्ड है तो 50 में से 30 रह जाएंगे, बाकी 20 ऊपर वाले उठ जाएंगे। उन 30 वर्ड को आपको यूटिलाइज करना होता है, और उसके साथ साथ उन 30 में से भी 13 मिनट स्पेंड करेगा वॉल्यूम पे, कि हमारा सर्च वॉल्यूम कितना आ रहा है और कीवर्ड की डेंसिटी कितनी आ रही है। ये हम पूरा एक प्रैक्टिकल क्लास रखेंगे। मैंने अभी आप लोगों को प्रैक्टिकली खुद फाइंड करना नहीं बताया, मैंने आपको टूल्स बताए, टूल्स के बाद मैंने आप लोगों को ये एक्चुअली चीज बता दी कि आप लोगों ने लिस्ट जो है वो किस तरीके से तैयार करनी है कीवर्ड्स के लिए। बेटे रिमूव वो आपके जी, मेटफॉर्मिन वेट लॉस, या आगे कर दे, इधर हमने लिखा जी मेटफॉर्मिन फॉर वेट लॉस है, तो ये नीचे लिखते हैं जी मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन वेट लॉस, या वेट लॉस मेटफॉर्मिन कर दें, ठीक है, वेट लॉस पहले ले आए तो मेटफॉर्मिन जो है वो बाद में कर दें, ठीक है। ये कीवर्ड जो है वो हमारे किसी काम का नहीं है, ये वेस्ट हुआ है। हम कीवर्ड ऐसे यूज कर रहे होते हैं ना चीजों में, यूट्यूब में भी, अपने KDP में भी, हर जगह कर रहे होते हैं, वेट लॉस फॉर मेटमिन कर दिया या मेटमिन फॉर वेट लॉस कर दिया, तो ये चीज आप नहीं करनी। कीवर्ड के अंदर आपकी मेन निश रहती है, मसला नहीं है, मेन निश रिपीट हो रही है, टेंशन परेशानी नहीं है। अगर मेन निश को अब और एडवांस चीज जो है वो बताने लगा हूँ, कि जैसे कि वेट लॉस के बाद मेन एक कीवर्ड चलता जा रहा है, जैसे कि वेट लॉस आपने लिख दिया, वेट लॉस के साथ मेटफॉर्मिन भी आता है, पोस्टपार्टम भी आता है, तो आप सिंगल सिंगल वर्ड भी लिख सकते हो, सही है, ये चीज भी चल सकती है, लेकिन ये चीज चलती है बैकन कीवर्ड के ऊपर। हमने इनको एज अ टेबल ऑफ कंटेंट के तौर पे, या एज अ हेडिंग के तौर पे, या अपने पैराग्राफ के अंदर इन्हें यूज करना होता है, इसलिए वेबसाइट के अंदर आपने जो कीवर्ड यूज करने हैं उनका प्रॉपर जो है वो सेंटेंस बन रहा हो, प्रॉपर मीनिंग हो, विदाउट मीनिंग उधर जो है वो किसी काम का नहीं है की। बात समझ रहे, क्योंकि हमने कीवर्ड जो है उधर बैकएंड पे लगाने हैं, कहीं बैकएंड लगाने का पोर्शन नहीं होता, उन कीवर्ड्स को हमने अपनी वेब में इनरोल करवाना होता है, थ्रू पैराग्राफ, थ्रू हेडिंग, थ्रू पिक्चर, ये सारी चीज करनी होती है, सही है जी। बेटे इधर तक बात ओके हुई, ये मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड सेंड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, अगर जिस जगह पे प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे जो है वो वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको जो है वो मजीद जो है वो क्लियर कर दूंगा, कोई बात पूछने का, ठीक है जी। तो ये बच्चे बेसिकली मैंने आपको शुरू से सारी बात बता दी, कि आपने अपनी शीट रेडी कर ली, अपने कीवर्ड आपने फाइंड कर लिए, कीवर्ड फाइंड करने के बाद आपने उनमें से लो कंपटीशन कीवर्ड किस तरीके से सिलेक्ट करने हैं, ये काम हम KDP में भी करते हैं, ये काम हर लिहाज से हम कर रहे होते हैं डेली बेस पे, तो उसका मैंने आपको आइडिया दिया कि आप किस तरीके से अपने परफेक्ट कीवर्ड जो है वो उन सभी कीवर्ड में से निकाल सकते हैं। बात ओके हुई जी निमरा बच्चे, ठीक है।
चलें बच्चे, हम जो है वो अब एंड करते हैं क्लास को। ठीक हो गया जी, जजाकल्ला।